स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खजरी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिल्ली के सीलमपुर मेट्रो स्टेशन की एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है। इस वीडियो में एक शख्स टोपी पहना हुआ है और मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा में तैनात जवानों से उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसकी स्टेशन से बाहर जवानों से झड़प करने की भी वीडियो सामने आई है। सोशल मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि ये युवक अपने बस्ते में खाना ले जा रहा था और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि ये इफ्तार के लिए सामान ले जा रहा था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने जब इसे चेक करना चाहा तो उनसे ये बहस करने लगा। इस दौरान इसके हाथ में खाने की एक टिफ़िन भी दिखाई दे रही है। बाहर की जो वीडियो रिकॉर्ड की गई है उसमें सुरक्षा कर्मियों से बहस करते हुए भी इसे सुना जा सकता है, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी उसे पकड़कर अंदर ले गए। दिल्ली के सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर युवक जवानों में हुई बहस, ये वीडियो भी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है। वीडियो करीब 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया में अब वो युवक भी सामने आकर इस पूरे मामले को लेकर बता रहा है कि दरअसल उस दिन क्या कुछ हुआ था, और उस युवक का भी बयान अब सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। तो तुम्हारे साथ जो मेट्रो में जो हुआ है, सीलमपुर मेट्रो में जो हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप और क्या कार्रवाई कराने चाहते हैं? सबसे पहली बात तो मैं कार्रवाई नहीं कराना चाहता। अगर मैं कार्रवाई करानी होती है, 5 दिन पुरानी वीडियो है, उसी टाइम कार्रवाई करा था। कार्रवाई नहीं कराना चाहता, बस गलती थी सामने वाली की जिस भाइयों की ही गलती थी, उन्होंने मेरे साथ अब्यूज करा, मतलब मेरे साथ बदतमीजी करी, वैसे हाथापाई करने की चाह रखी, बहुत गंदी तरीके से बोला चाह, लेकिन मैं बर्दाश्त करता गया, मतलब भी था मेरा बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद कार्रवाई नहीं करा सकते, हमारे देश के सिपाही हमारे रखवाले, लेकिन नसीहत होनी चाहिए उनको कि अगर हम अपनी प्रजा से ही खिलाफ चलेंगे, उनको मतलब सताएंगे, बुरा भला कहेंगे, तासुब करने की नीयत से देखेंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा ना वो ना कार्रवाई, ये तो कोई मसला ही नहीं है। बस ये बोलूंगा कि जो भी करो, हक करो, कोई भी हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कैसा भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हक करो यार। हक करोगे तो हिस्ट्री में रहोगे, ना हक करोगे तो सिपाही हिस्ट्री से ही मिलोगे। सिंपल से यही कहना, कार्रवाई में नहीं चाहता, कार्रवाई नहीं चाहता, वो भी हमारे रखवाले हैं, उनका भी अंदर थोड़ा गुस्सा रहता है, वो पूरे दिन खड़े रहते हैं बेचारे, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि सामने बच्चा खड़ा, अकेला खड़ा और रोजे में खड़ा, प्यार लेके खड़ा, तो उनको उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, जो नहीं करनी चाहिए। बस यही था और कुछ नहीं था। बस इसी के लिए ठीक है आजम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है, जी शुक्रिया, हमेशा मिल गया है जी, और मैं आपसे मिलने के लिए आया, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, ठीक है।